2 सितंबर को इसरो अपना सूर्य मिशन लॉन्च कर रहा है। आदित्य एलवन के लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रिसर्च मिशन में आदित्य एलवन सूर्य के तापमान और उससे जुड़े तमाम रहस्यों की जानकारी जुटाएगा। आदित्य एलवन भारत का पहला जबकि दुनिया का 23वां सोलर मिशन है। इसकी कामयाबी को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है। देखिए, सूर्य मिशन तैयार, लॉन्चिंग का इंतजार। सूर्य मिशन को लेकर इसरो ने दी अच्छी खबर। दो दिन बाद अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान। चंद्रयान के बाद सूर्ययान बढ़ाएगा हिंदुस्तान की शान। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद इसरो सेंटर में उत्सुकता है, उत्साह है, उल्लास है और उमंग भी। चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो 2 सितंबर को आदित्य एलवन की लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। वैज्ञानिकों ने आज इसरो सेंटर में आदित्य एलवन की लॉन्चिंग को लेकर रिहर्सल की। वैज्ञानिकों की टीम ने आदित्य एलवन में लगे सभी उपकरणों की जांच की, उन्हें परखा और उसके बाद पूरे देश को सोशल मीडिया के जरिए बताया कि PSLV C-57 आदित्य एलवन मिशन लॉन्च की तैयारियां चल रही हैं। लॉन्च रिहर्सल, व्हीकल की आंतरिक जाँच पूरी हो गई है। रिहर्सल में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई और आदित्य एलवन का जो सेटअप है वो भी पूरी तरह फिट है। वैज्ञानिकों ने लॉन्चिंग को लेकर जो भी प्लानिंग की है सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। आदित्य, देखिए, ये तो सूरज का नाम है, तो जैसे कि हम सूरज के पास जा रहे हैं, सूरज जैसे चंद्रमा पर हम पहुंचे, सूरज पर पहुंच नहीं सकते क्योंकि वहां पर तो आग ही आग है। वहां इतना टेम्परेचर है, 5-6 हज़ार डिग्री टेम्परेचर है, तो वहां पर तो हम उतरने की सोच भी नहीं सकते, कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन हम क्या उसके पास जा कर के उसके और ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं और जो ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, तो इसी का नाम है आदित्य। आदित्य ये सूरज या हम सूर्य का अभियान है, इसलिए आदित्य नाम है। और एलवन एक ऐसा पॉइंट है वहाँ पर कि जहाँ पर हम जा रहे हैं, इसीलिए इस अभियान का नाम आदित्य एलवन रखा गया है। 2 सितंबर को आदित्य एलवन उड़ान भरेगा, मगर जिस पॉइंट तक उसे जाना है वहां पहुंचने में उसे करीब 4 महीने लगेंगे। भारत का सूर्य मिशन लैग्रेंज पॉइंट तक जाना है, जिसकी दूरी पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर है। जानकारी के मुताबिक ये वो पॉइंट है जहां से सूरज को बिना किसी दिक्कत के देखा जा सकता है। हमें ऊर्जा मिल रही है, ये सब सूरज की ऊर्जा है, इसलिए हमारे समाज में सूरज को देवता भी माना गया है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने देवता के बारे में जो हमें ऊर्जा दे रहा है, तो वो ऊर्जा कैसे दे रहा है, कितने दिन तक देगा, क्या वो ऊर्जा देना बंद तो नहीं करेगा। यदि वो ऊर्जा देना बंद, तो हमारा पूरा लाइफ जो है इस धरती पर, पृथ्वी पर का पूरा लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज में किस तरह की प्रक्रिया होती है। आदित्य एलवन को लैंग्वेज पॉइंट के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यहीं से सूरज से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश होगी। सूर्य धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, मगर आदित्य एलवन महज 15 लाख किलोमीटर तक ही जाएगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर इसरो के सूर्य मिशन का मकसद क्या है और आदित्य एलवन क्या करेगा, इसे आसान भाषा में समझिए। लैग्रेंज पॉइंट पर जाने के बाद आदित्य एलवन सूर्य के यूवी बैंड की स्टडी करेगा, साथ ही सौर घटनाओं का परीक्षण करेगा और सौर पवन का कई दिशाओं से अध्ययन करेगा। इसके अलावा सौर मंडल के ऊपरी वातावरण का अध्ययन करने के साथ साथ फोटोस्फेयर
क्रोमोस्फेयर की जानकारी भी जुटाएगा। सूर्य की बाहरी परत से जुड़े रहस्यों की भी स्टडी की जाएगी। आदित्य एल1 अंतरिक्ष में मौसम की वजहों का भी पता लगाएगा। सूर्य का जो विकिरण है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज तो है ही, लेकिन सूर्य की जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं वो धरती के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालती हैं। खासतौर पर अगर रेडियो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात की जाए, जिस तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारे ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व होता जा रहा है, जिसकी अहमियत जितनी बढ़ती चली जा रही है, उसके मद्देनज़र ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर सूरज के इन सोलर फ्लेयर्स का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे आम जनजीवन के अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। और ऐसे में अगर धरती के करीब या कहा जाए सूर्य के करीब भारत का अपना उपग्रह होगा, भारत का अपना ऑर्बिटर मिशन होगा। आदित्य एल1 7 पेलोड लेकर उड़ान भरेगा। ये पेलोड फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का जायजा लेंगे। हर पेलोड की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। सूर्य मिशन कई मायनों में अहम है। इसरो ने जिस तरह चांद पर सफल लैंडिंग की, उसके बाद दुनिया की निगाहें भारत के नए अभियान पर है। सबको उम्मीद है कि चंद्रयान की ही तरह आदित्य एल1 भी कामयाब होगा और दुनिया के सामने सूरज से जुड़े तमाम रहस्य खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।